भैया कंपार्टमेंटल का एग्जाम कब से होगा, इसका फॉर्म कब से डलाएगा, फॉर्म कैसे डलाएगा और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, थोड़ा बहुत बता देते तो अच्छा रहता है। तो बिल्कुल बताएंगे। आप जो मेरे भाई लोग हैं, मेरी जितनी भी दीदी लोग हैं, आप जिस चैनल पे आए हैं, बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, नहीं तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए। तो भैया तनिका बता दीजिए ना कि फॉर्म कब से डलाएगा, फॉर्म कैसे डलाएगा, इसका एग्जाम डेट कब है, रिजल्ट इसका कब तक आएगा, वो सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात कि कंपार्टमेंटल के एग्जाम कौन देता है, ये भी क्वेश्चन होता है कि भैया हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते कंपार्टमेंटल का एग्जाम। तो देखिए कंपार्टमेंटल का एग्जाम वो स्टूडेंट देंगे जो है ना छोछुनर से एकाध को सब्जेक्ट में क्रॉस लगाई ले ले, ठीक है, पता ना कैसे क्रॉस लगा ले ले। हो सकता है कि आज पहला बार आप केटी भैया के वीडियो देख रहे होंगे, हालांकि जो जो केटी सरकार का स्टूडेंट लोग है ना वो बहुत कम है, ऐसा भाई का ना हमको लगता है कि 2 या 3 को भाई का मैसेज आया कि भैया हमारा क्रॉस लग गया हुआ है, नहीं तो बाकी सब हमारे भाई सब निकल गया हुआ है। और कैसे निकले थे, हालांकि गेसिंग क्वेश्चन केटी सरकार का सब टकराया हुआ था। तो भैया सब बात छोड़िए, हम अभी आए हैं आपके पास, बताइए हमको क्या चाहिए। तो देखियो आप अगर किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा रहे हैं तो आपको बिहार बोर्ड एक और सहायता देती है कि कंपार्टमेंटल से आप एग्जाम दे के आप अपना 1 साल बचा के निकल जाइए, ठीक है। बात रही कंपार्टमेंटल एग्जाम की, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम बड़ा इजी एग्जाम होता है, बड़ा इजी एग्जाम होता है, हालांकि इस एग्जाम को उसी लिए लिया जाता है कि आप जो फेल किए हुए हैं ना वो फिर से निकल जाओ, ठीक है। तो ये बड़ा हल्का एग्जाम होता है। तो अगर आपका किसी सब्जेक्ट में क्रॉस वगैरह लगा हुआ है या फिर आप किसी कारणवश कोई एग्जाम छोड़ दिए, होता है ना कि एक आध को एग्जाम छूट जाता है कोई भाई बासब के, तो अगर आपका कोई एग्जाम छूट गया हुआ तो उसके थ्रू भी आप ये कंपार्टमेंटल के थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं। तो भैया इसका फॉर्म कैसे डलाएगा, तो देखिए इसका फॉर्म का डेट है जो 28 मार्च से 4 अप्रैल तक फॉर्म डलाएगा, और इसका जो फॉर्म है ना वो ऑनलाइन डलाएगा। कहा भैया ऑनलाइन, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना, कहा देख रहे हो आप वीडियो, तक का शेयर वर्क कर देना इधर उधर, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म का होगा डलाएगा, और कहां डलाएगा, तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर यह फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है, वहां से आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो किसी भी साइबर कैफे का सहारा लेके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भैया इसका एग्जाम कब होगा वो बताइए, तो हमको पता था फॉर्म जो है इतना से इतना तक डलाएगा, आप हमारा बताइए कि एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम जो है ना वो फॉर्म जब डलाते हैं ना उसके 1 महीना के आसपास एग्जाम होता है, 1 महीना बाद, मतलब कंपार्टमेंटल के लिए भी आपको 1 महीना का टाइम दिया जाता है। भैया कंपार्टमेंटल का तैयारी कैसे करें, तो हम बोल रहे हैं कि चैनल से जुड़ जाओ, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। यूट्यूब पे ना कंपार्टमेंटल से रिलेटेड क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, बस केटी सरकार के चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो 1 महीना का आपको टाइम मिलता है भैया कंपार्टमेंटल का तैयारी कर लो, लगभग 1 महीना, आप एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं, 25 के आसपास जो है ना वो दिन का टाइम मिलता है। तो ज्यादा संभावना है कि देखो 4 अप्रैल तक फॉर्म डलाएगा, तो इसके 1 महीना मतलब संभावना है कि जो अप्रैल है ना, अप्रैल के लास्ट सप्ताह जो है उसमें आपका एग्जाम हो सकता है कंपार्टमेंटल का, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है आनंद किशोर चाचा, ठीक है, उन्होंने मतलब जो है ना उस दिन चल रहा था रिजल्ट वाला सेशन, तो उन्हें बोले कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि मई तक ना कंपार्टमेंटल का रिजल्ट दे के इस सेशन को जल्दी खत्म करें कि अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। तो संभावना है कि मई तक, मतलब मई तक तो रिजल्ट दिया जाएगा, तब मई तक रिजल्ट दिया जाएगा, तो अप्रैल में एग्जाम दिया जाएगा, तब ना मई तक रिजल्ट दिया जाएगा। तो ज्यादा संभावना है कि जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम है वो अप्रैल के लास्ट सप्ताह में, अगर हमसे पूछेगा डेट तो 26 अप्रैल के बाद होना चाहिए, ठीक है, कंपार्टमेंटल का एग्जाम। खैर उसका शेड्यूल बिहार बोर्ड जारी करेंगे, कंपार्टमेंटल का भी शेड्यूल जारी होता है, वो सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, ठीक है, कॉलेज वॉलेज में जाने की उधर जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से अप्लाई कीजिए, सब कुछ एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ वहां से ही आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो मई तक बोला गया है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कि दिया जाएगा, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट करना है। तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म आप जाइए, अभी जो 28 मार्च है उसे स्टार्ट होगा, और 4 अप्रैल तक इसका डेट है, आप किसी साइबर कैफे से भर सकते हैं, और एग्जाम का 1 महीना आपको टाइम मिलेगा। अगर कंपार्टमेंटल से रिलेटेड और जानकारी तो होनी चाहिए ना कि कौन सब्जेक्ट कैसे तैयारी करें, कंपार्टमेंटल की तैयारी कैसे करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना है, कमेंट में बस जय बिहार कर देना, ठीक है। और क्या वीडियो आपको चाहिए ना, वीडियो के बारे में भी बता देना, भैया अभी टॉपिक पे वीडियो बना ही दीजिए ना, तो हम बना देंगे, केटी सरकार तो नहीं लोगों के लिए है। हम बोले ना कि अगर आप नए अभी जुड़े हैं ना इस चैनल से, तो हो सकता है इसी कारण आपका थोड़ा बहुत रिजल्ट इधर उधर हो गया होगा, क्योंकि मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो इस सरकार के चैनल से जुड़े हैं, जो इस भाई के चैनल से जुड़े हैं, अपनी सब अच्छा खासा रिजल्ट लाए हुए हैं। हम ये नहीं बोले कि सब के सब निकलिए गया, कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिनका क्रॉस वगैरह लग गया है, तो कोई बात नहीं है, अभी भी तोनी के साथ केटी सरकार है, ठीक है, तू भाई है मेरा, तू बहन है, तो एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है, एकदम रिलैक्स रहो, केटी सरकार तोनी के साथ है। तो एग्जाम अच्छा खासा देना है, और कंपार्टमेंटल में क्रॉस व्रॉस ना लगा लेना, तो बहुत थुर सब बहुत पीटेंगे, ठीक है, कंपार्टमेंटल में क्रॉस नहीं लगाना है। तो वीडियो को शेयर कर दो, क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, और लाइक को कमेंट में बरसा देना, ठीक, कमेंट में जय बिहार कर देना। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।